अस्सलाम वालेकुम। तो आज है बर्थडे व्लॉग। बर्थडे व्लॉग में आप सबका वेलकम है। आप ईमान का है आज बर्थडे। आज है 6 मई। रात को ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया, 12 बजे के बाद ही कर लिया था। और ये अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं उसके लिए आज जो लेके आई थी शाम में क्या गिफ्ट लेके आई थी। देन ये ईसा की पैकिंग होने लगी है, जो हमने ईसा ने कल ये कपड़े वेयर करके जाने हैं। एंड देन बाकी उसके बैग भी रखूँगी, साथ उसकी खाने पीने वाली जो भी चीज़ें लेके जानी है वो रखूँगी। तो सारा कुछ आपके साथ करूँगी शेयर। अभी गिफ्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। देंगे सुबह ही उसे जब वो स्कूल से आएगी, कल उनका टेस्ट है, जब वो स्कूल से आएगी फिर उसे देंगे और उसका रिएक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ मैंने ड्रेसेस रेडी कर लिए हैं तीनों के, माशाल्लाह मेरे शहजादी शहजादियों के। ये मेरे शहजादे का ड्रेस है, साथ गॉगल्स हैं। उसने कहा अम्मा साथ रखने, मेरे समझा के सोया, अभी जाके सो गया, रो रहा था, ज़िद कर रहा था। ये है अब्रिश फातिमा का ड्रेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ईद पे लिए थे लेकिन मैं दिखा नहीं सकी थी, हम जाते हुए लेट हो गए थे और ये एंड पे मिले थे हमें। ये है बर्थडे गर्ल का ड्रेस एंड माशाल्लाह दोनों के एक जैसे हैं, बस कलर डिफरेंट है। और सुबह ये पहनेंगे, साथ जॉगर्स पहनेंगे क्योंकि चलने में इजी होता है। मुझे होता है जो चलने भागने में इजी हो, और जहाँ जा रहे हैं वो सुबह ही रिवील होगी जगह, ईमान फातिमा की मोस्ट फेवरेट जगह, जहाँ वो साल बाद ज़रूर कहती है कि मुझे ज़रूर जाना है। बाकी आप जो शुरू से मुझे देखते हैं वो गैस कर लेंगे। तो ये हो गई है तैयारी, फिर मैं अपनी तैयारी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले करती हूँ गिफ्ट शेयर, अब आपके साथ करती हूँ गिफ्ट शेयर। ईमान फातिमा के सबसे पहले तो आ जाता है ये अलार्म क्लॉक, जो कि उनके रूम के लिए बहुत ज़रूरी था, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये ले आई उनके लिए अलार्म क्लॉक। ठीक है, सेकंड पे आ जाता है, मैंने सारी चीज़ें ईमान की पसंद की, जिस तरह वो मुझे मांगती होती है ना दराज में से, दराज से अम्मा ये वाला ऑर्डर कर दे, अम्मा ये वाला ऑर्डर कर दे, उस हिसाब से सारी लिए। एंड देन ये वाला सेट आ जाता है, इसमें पेंसिल्स हैं, बॉल पेंट जो होती है, कलरफुल डायरी है, एंड इसके साथ आई थिंक तो ये हाईलाइटर है ये वाला भी, और ये टेप है सेम लाइक एक उसी जैसी है, सारी चीज़ें सेट है पूरा। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है ये हाइलाइटर्स, जो कि 9th-10th वालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो अक्सर ये बाबा अपने से मांगते हुए मैंने देखी हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे हाइलाइटर हैं ये। फिर मैंने 1 पैक ले लिया था ईमान फातिमा के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ ज्वेलरी आ जाती है, ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये 3 पेयर्स हैं, 1 पेयर ये वाला है, 2 एंड 3, ये सारे डिलीवर हो गए। एंड इसमें ये ब्रेसलेट्स आ जाते हैं, इसमें 4 ब्रेसलेट दूसरे हैं और एक अंदर बैंगल वाला ब्रेसलेट है, ये सेट है पूरा। और इसके बाद आ जाते हैं सबसे खूबसूरत चीज़, जो मुझे उनके रूम के लिए चाहिए थी, ये पेंटिंग मुझे पसंद आई थी। ठीक है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, द बेस्ट पेंटिंग उनके रूम के लिए, सिंपल सी अच्छी पेंटिंग लगी, फिर मैंने ये ले ली उसके लिए। एंड फिर लास्ट नॉट द लीस्ट, सबका सब कुछ आए और ईमान के साथ अब्रिश का गिफ्ट ना आए ये तो नहीं हो सकता। फिर अब्रिश के लिए भी मैं सेम ईमान जैसा ही ज्वेलरी सेट लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये 3 पेयर्स ऑफ ज्वेलरी सेट है। ठीक है, मैं इधर ही रख सकती हूँ अब्रिश, एंड 4 पेयर ये है साथ, जो जिस तरह के उसके लिए थे ना वो हैंड कफ और सारा ये पैक उसके लिए, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें ईमान वाली पसंद आई, तो मैंने उससे वादा किया कि मैं उससे ज़रूर ला दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। ये बहुत चीज़ें ना घूम फिर के लेने वाली थी, मैंने कहा था कि ईमान फातिमा को लास्ट टाइम मैंने मेकअप दे दिया था और वो इस मेकअप बिल्कुल नहीं करती, मेरे दोनों बच्चे हाँ लाइनर के अलावा और कुछ नहीं करती, अब ब्लश और लाइनर टिंट उन्हें मैंने ला दिया हुआ है। लास्ट दफ़ा उससे मैंने किट दी थी, मैंने कहा बच्चों को शौक होता है मेरा यूज़ करती थी, लेकिन वो बिल्कुल वैसे की वैसे पड़ी है, इतनी महंगी मैंने मंगवाई थी और वो वैसे की वैसे पड़ी है। फिर मुझे ये मिला लिंक रोड से, ठीक है, मुझे मिला है ये 1000 का, लेकिन मैं अब देख रही हूँ काफ़ी जगह पे 600 में भी पड़े हुए हैं, 700 में पड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसका वेट काफ़ी कम, जो प्लास्टिक का नहीं लग रहा है ये सही, और ये है भी बहुत खूबसूरत, और इतना हैवी वेट है ना, जैसे पत्थर ही, असली पत्थर ही लग रहा है मुझे। और मैंने इसे वहाँ पे भी सर्च किया है तो ये दराज पे मुझे नहीं मिला, दराज फाइंड में नहीं मिला, लेकिन ये नेपाल के दराज फाइंड से उधर गूगल ने मुझे निकाल के दिया है, और वहाँ भी ये आई थिंक सो जितने का मैं लेके आई हूँ सेम उसी प्राइस में है। और ये लेके आई थी ईसा का गिफ्ट, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था।
ये है जी कुछ गिफ्ट, खूबसूरत से और मेरे बच्चों को पसंद आए। सुबह उसे दूंगी और उसका एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने ऐसे सिंपल ही पैक कर लिया थैंक यू वाले उसमें, क्योंकि उसने भी तो ओपन करना है कल जब वो आएगी फिर उसे स्कूल से, तो फिर उसे देंगे। एंड देन जो कल लेके जाने का प्लान भी है वो भी गिफ्ट में इस दफ़ा शामिल है, क्योंकि मैंने गिफ्ट प्लान किया है वो और मेरे बेटे को कल लेके जाना है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। दोपहर हो चुकी है, हम करने लगे हैं नाश्ता और ईसा बाबा आप को कह दो हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं ऐसे नहीं, अच्छे तरीके से। आप कहाँ गए थे रात? आप ही कहाँ लेके गए थे आप रात? ये सो गया था फिर इसे उठाया है और ये बाहर गया है घूमने आप ही के सेलिब्रेशन के लिए। कहाँ गए थे? और इसने फुल इंजॉय किया, आप ही ने तो क्या इंजॉय किया, सिर्फ हिस्सा ने इंजॉय किया। मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप्स हैं मैं साथ ही लगा दूँगी। और कहाँ गए थे हैं? और यहाँ हमारे आलू अंडे बन गए हैं। ये हमारा दोपहर का लंच और सुबह का नाश्ता मतलब ब्रंच होने वाला है। और मैंने साथ इसके रोटियां सादा बनाई हैं, साथ होगी चाय। बाकी का जो है हमारा प्लान वो आपको साथ साथ बताती चलूँगी। हाँ अभी तक तो यही प्लान है। तो हमारा बर्थडे का प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन जो शुक्र हैं गिफ्ट लिए हुए हैं वो अब अबरिश को ईमान को देते हैं और ईमान के एक्सप्रेशन चेक करते हैं। और माँ खाला की तरफ से भी गिफ्ट आए हूँ, मैं अभी ATM से निकाल के लाई हूँ, तो वो भी देते हैं ईमान फातिमा को, उसे खुश करते हैं। और इंशाल्लाह एक दो दिनों में उन्हें ले जाऊंगी, क्योंकि आज अचानक की गर्मी बहुत ज़्यादा थी और 4-5 बजे जाना था, तो हमने इसलिए प्लान थोड़ा कैंसिल कर दिया, डिले कर दिया। तो घर में फिर रात को सेलिब्रेशन करेंगे हल्का फुल्का सा। और ईमान फातिमा भी मान गई है कि अम्मा इंशाल्लाह चलें छुट्टियों में चले जाएँगे, आगे पीछे फिर चले जाएँगे। लेकिन डिले हुआ है, वो नहीं हुआ कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया। ये है कि थोड़ी दूर तक ले गई हूँ मैं उसके, जो मैंने उससे वादा किया था जहाँ मुझे उससे लेके जाना था। लेकिन अब ये गिफ्ट वगैरह दे के उसे करते हैं हैप्पी। मान फातिमा और ये लो जी आपका बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मान फातिमा। मैंने इसे लाइट की तरफ बिठा दिया ताकि सारे अपने खोल के देख ले। और ये है भाई 1000 रुपीज़ आपकी खाला की तरफ से, और ये 1000 रुपीज़ नानो और नाना अबू की तरफ से। ये मैंने ATM से निकलवा लिया था, मैंने कहा मेरे बेटे के हैं तो मैं अपने बेटे को दे दूं। और जो आपका गिफ्ट एक और अम्मा की तरफ से था वो डिले हो गया, वो इंशाल्लाह आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और ये अपने गिफ्ट खोल लो, जल्दी जल्दी देख लो सारे, मैंने बाकी सारे दिखा दिए, बस आपने देखने। और बताना इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया, ठीक है? नहीं पसंद क्या आया सब में से इतने कान के लगा, मुझे बताना है कि पसंद क्या आया, ताकि मुझे अपनी बेटियों की पसंद का पता हो। अबरिश का तो मुझे पसंद, उसने मुझे, मैं रात पैक कर रही थी, उसने मुझे बताया कि मैं मुझे ये पसंद है, देन ये पसंद है। और अबरिश की ज्वेलरी भी अबरिश को दे दो। ज्वेलरी पसंद आई? अच्छा चलो, आपकी पॉकेट मनी भी ज्यादा सारी इकट्ठी हो गई है। चलो ये सारी चीजें खोल के अपने कमरे में लगा लोगी ना, तो फिर मैं सबकी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? इस तरह थोड़ा सा ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो बेटा, ऐसे ऐसे यस, हाँ ऐसे लाओ, तो मैं आपकी तस्वीर बनाऊँ इसके साथ। माशाल्लाह मेरी शहजादी, मेरी बर्थडे का। हाँ ये रिमूव कर दो और फिर अपने कमरे में कहीं भी इसे सेट कर, हाँ वहाँ एडजस्ट कर। अगेन चलो अब रिश्वत में कहो हैप्पी को, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईमान फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी ओपन करने लग पड़ी है दर्द।
चलो आप देखो अच्छे तरीके से। हाँ बहुत अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं। हाँ तो सेलिब्रेशन अब हम घर में ही करने वाले हैं हल्की फुल्की सी। फिर भी मैं आप लोगों को जो मैंने ड्रेस पहनना था मैं उसकी डिटेल दे देती हूँ। तो ये है मेरा ड्रेस, ठीक है, ओवरऑल लुक है, करीब से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। साथ इसके मैंने जो शूज़ वेयर करने ECS के, ये लुक मुझे बहुत ईजी लगते, कम्फर्टेबल लगते, जाना था तो मैंने कहा चलना है तो इसलिए। लेकिन अब हम घर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो देन मैं थीम सारा कुछ वही रखूँगी और बैग भी आपको जो मैंने पहन के जाना था वो चेक करवा देती हूँ। ये छोटू सा क्यूट बैग लेके जाना था जो इसके साथ सेम जा रहा है, ठीक है। और ये कुछ मेरी तैयारी थी, प्रोग्राम तो बढ़ गया, नहीं कुछ नहीं होता, हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मुझे मेरी बच्चियाँ बता रही हैं कि अम्मा हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। आज अगर हम किसी वजह से नहीं जा सके तो मैं इसमें मेरे अल्लाह की, मेरे रब की बेहतरी, अजान होती है मैं उसके बाद आती हूँ। तो ये बारूक का ड्रेस है, सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। गला मैंने कुछ इस तरह से बनवाया था, सिंपल बिल्कुल, और ये वाली लेस लगवाई थी। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, ये सारा चिकनकारी का है, ये चिकन स्टाइल बना हुआ है, इसकी कढ़ाई बनी हुई है एंड सारा ऐसे। इसके दुपट्टे की वजह से मुझे ये ड्रेस ज़्यादा पसंद आया था एंड मैंने इसके पौंचे शलवार के कुछ इस तरह से रखवाए थे डिज़ाइन, सो गुड। मुझे आप लोगों को ईद कलेक्शन में दिखाना था सारा ये, लेकिन बस टाइम कम होने की वजह से ना पहना है और ना ही फिर दिखाया गया। लेकिन आज मैंने फिर मैंने सोचा था मैं मान की बर्थडे पर पहनूंगी, तो आज वो दिन है तो हमने कहा क्यों ना इसे वेयर किया जाए और इसे स्टाइल किया जाए। अब आ जाते हैं मेरी इसके साथ ज्वेलरी जो मैंने इसके साथ वेयर करनी है। ये मेरे इयर रिंग्स हैं जो कि मैंने ईद कलेक्शन में ही सारे जमा किए थे, पहनने का मौका नहीं मिला था क्योंकि दो दिन मैं तैयार हुई थी एंड फिर नहीं तैयार हुई। ये इयर रिंग्स हैं, आज वेयर करेंगे। देन ये पायल हैं और रिंग्स हैं, ये मेरी वॉच है जो इसके साथ मिलती है, ये मेरे कड़े हैं, एयर का हैंडकफ हैं, ये कैचर तो लेके जाना था इसलिए रखा हुआ है। एंड देन ये हो गया है सेटिंग इसकी जो मैंने इसके साथ ज्वेलरी पहननी है। एंड ये रहे हम, हमने अपने कर्ल वाले बाल रात से सेट कर लिए थे एंड देन इसे अब हल्का फुल्का मेकअप करने के बाद इसे हम खोल लेंगे। मैं अपनी शहजादियाँ दिखाती हूँ, देखो तैयार हो रही हैं अपने रूम में। ये मान फातमा को मैंने लास्ट ईयर गिफ्ट दिया था ये वाला, और आज मान फातमा अपने मेकअप से तैयार हो रही है। इनके रूम में हम लोगों ने कूलर फिट कर दिया माशाल्लाह, इतना ठंडा रूम है, बहुत प्यारी लग रही है। और ड्रेस देख दोनों के बहुत खूबसूरत हैं, मुझे इतने पसंद थे ना ये ड्रेस। अरे ऐसा हुआ था, ये वाला जो कलर लिया था ये अबरिश के लिए और ये वाला कलर लिया था इसके लिए, टेलर ने ये वाला उसके लिए सी दिया, ये वाला उसके लिए। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो। देखो मेरी तरफ, माशाल्लाह ईसा भी हो गया रेडी, बाबा भी रेडी हो गए हैं, वालेकुम सलाम, बाबा भी हो गया रेडी, ईसा भी हो गया रेडी। ईसा की आज बर्थडे, किसकी बर्थडे आज? अम्मा का। नहीं नहीं, आप ही की बर्थडे है। बंद लेने नहीं जाता, जैसा मुझे काम है बहुत जरूरी। बाबा काम जा रहे हैं, जरूरी काम जा रहे हैं, आते हैं तो फिर केक आ गया ना बाबा, ले आए हैं केक तो फिर कट करते, तैयार हो जाते, मूड नहीं खराब करते। अच्छा, और यहाँ मेरी तैयारी चल रही है। हाँ जी जी जी, नहीं अल्लाह पढ़ रहा है, नहीं मेरा बेटा माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह मेरा शहजादा, हम सारे अंदर तैयार हो रहे थे, मेरा बच्चा अल्लाह पढ़ रहा है। नहीं मेरी जान, अम्मा की जान, लड अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर। अब मैं भी हो गई हूँ रेडी, ये कुछ मेरा आउटफिट कुछ इस तरह से लग रहा है, हेयर कुछ मैंने इस तरह से स्टाइल किए हैं, आईज मेकअप मेरा कुछ इस स्टाइल का है, लाइनर दिया मैंने आई लुक में और लाइट सा शिमर दिया एंड दिस इज़ माय नेल लुक। और मेरे शूज़ मैंने आप लोगों को बताए थे, ये मैंने पहनने हैं ECS के, दिस इज़ माय लुक। अबरी फातिमा आप भी आओ बेटा, पीछे ईसा की चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। ये जी मेरा पूरा खानदान माशाल्लाह आ गया, इधर आओ बर्थडे का, इधर आओ, माशाल्लाह लुक सो ब्यूटीफुल। चलो सारे का हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मान फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू।
और अब केक कटिंग सेरेमनी हो गया, केक खाने वाली सेरेमनी होने लगी है। अब सारे हम केक चेक करने लगे हैं, टेस्टी बहुत था, सबने एक एक बाइट ली है। मेरी चॉइस को था। अच्छा पिज्जा आ गया, चैन चैन खोल दो, लुक सो यम्मी। हाय गौर में ले आए थे बाबा, चलो फिर पिज्जा खोल के दिखाओ आपने कौन सा पीस लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह चलो खाएं, चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी निकाल दो, स्टार्ट करो। हाँ जी स्टार्ट करो, चलो उसमें से लो ना अपना पीस लो ताकि हम भी ले सकें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं हम कोक नहीं खाएं, आपकी गल साफ हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।